नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइफ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में एक बार फिर से श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि एक साल होने वाला है लेकिन अभी तक श्रद्धा के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ कोर्ट ने कोई भी ऐसा फैसला नहीं सुनाया है जिसके बाद ये कहा जा सके कि श्रद्धा को इंसाफ मिल गया हो। आपको बता दें कि बीते 5 महीनों से आफताब अमीन पूनावाला दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ पुलिस ने 6,629 पन्नों की चार्जशीट तैयार की है जिसे दिल्ली के साकेत कोर्ट में पुलिस दाखिल भी कर चुकी है। तमाम सबूत और गवाहों के होने के बाद भी आखिरकार क्यों आफताब के खिलाफ कोर्ट कोई कड़ा फैसला नहीं सुना रहा, ये सवाल लगातार श्रद्धा के पिता विकास वालकर पूछ रही हैं। आपको बता दें कि आरोपी आफताब अमीन पूनावाला की न्यायिक हिरासत का वक्त आने वाली 29 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। महज 5 दिन का इंतजार, लेकिन श्रद्धा के पिता को ये डर है कि इस बार भी उनकी बेटी का मुजरिम बच निकल जाएगा। हर बार उन्हें यही डर सताता है कि आफताब को सजा न मिलकर उसकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाएगा और इस बार भी उन्हें यही डर है कि उनकी बेटी का मुजरिम ऐसे ही बच निकलेगा। इस बार श्रद्धा के पिता नहीं चाहते कि आफताब की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाए, इसीलिए उन्होंने कोर्ट से ये डिमांड की है कि अब आफताब के खिलाफ कोई कड़ा फैसला सुनाया जाए। आपको बता दें कि आफताब के खिलाफ बहस का वक्त पूरा हो चुका है, पूरी कार्रवाई हो चुकी है, अब इंतजार सिर्फ और सिर्फ फैसले का है। क्या 29 अप्रैल वो तारीख है जब कोर्ट श्रद्धा वालकर के मुजरिम आफताब अमीन पूनावाला को वो कड़ी सजा देगा जिसका इंतजार श्रद्धा के पिता बीते 1 साल से कर रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।